चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का कल हम लोगों ने स्टार्च हो गया था, ग्लाइकोजन हो गया था, है ना, सेल्यूलोज हो गया था, क्या सेल्यूलोज नहीं हुआ, सेल्यूलोज की बात करते हैं। सेल्यूलोज इसकी यूनिट क्या होती है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। यूनिट क्या है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विद द बॉन्ड 1-2, 4-. ठीक है, सेल्यूलोज अगर इसको देखा जाए, इट इज अ इनसॉल्युबल व्हाइट सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। व्हाइट सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इनसॉल्युबल, नॉट सॉफ्ट, सॉलिड, सॉलिड। व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज अ व्हाइट सॉलिड इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट विद अ बॉन्ड 1-2, 4-. ठीक है, इसके अलावा सेल्यूलोज के बारे में अभी हमने आपको कल ही बताया था, क्या इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है भाई, और हाइड्रोलाइसिस होकर डायसेक्राइड यूनिट कौन सी बना जाएंगे? पहली बात करिए नालायक, कौन सी डायसेक्राइड यूनिट बनती है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सेल्यूलोज? सेलोबायोज। हाँ, कल बताया है, कॉपियां खोल लो अपनी अपनी, ने लिखा है कल ही बताया है, सेलोबायोज जब माल्टोज वगैरह पढ़ाया है। बताया, मुझे याद है, बताया मैंने, कह रहा नहीं बताया, घर जाके कॉपी खोली तो पता चलेगा ना। हाइड्रोलाइसिस से सेलोबायोज और केवल डायसेक्राइड यूनिट ही नहीं, कई सारी और यूनिट्स भी ये फॉर्म करता है, लाइक सेलो ट्राइज टेट्रोज, तो कई सारी ट्राइसेक्राइड टेट्रासेक्राइड यूनिट्स भी ये फॉर्म करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इस स्टेबल यूनिट होती है वो होती है इसकी सेलोबायोज। ठीक है, किससे बनती है ये? सेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाँ एक चीज और, अगर हमारे अंदर बात करी जाए तो किसको, इन एनिमल्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट इन एनिमल्स, क्या देख रहा है, किसके अंदर डाइजेस्टेबल होता है? एंजाइम। इन एनिमल्स बात करें, ओनली रूमिनेंट, ओनली रूमिनेंट, रैट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, चूहा, चूहा है आपका, और स्पाउस जिसे हम कहते हैं, जो चूहे की एक प्रजाति होती है, तो जो रूमिनेंट होते हैं उन्हीं के अंदर पाया जाता है एंजाइम टू डिग्रेड द सेल्यूलोज। बाकी फंजाई बैक्टीरिया इनके अंदर पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। हमारे अंदर जो वर्मीफॉर्म मैट्रिक्स होती है, इट आल्सो रेमिनेंट ऑफ दिस, ठीक है ना, जो वर्मीफॉर्म मैट्रिक्स हम लोगों के अंदर पाई जाती है वो भी इसीलिए माना जाता है कि वो भी क्या है, रेमिनेंट है। किसका? कि उसके अंदर भी ऐसा माना जाता था कि सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते थे, पर अब वो हमारे लिए क्या है, रेमिनेंट है।
ठीक है, वो काम में नहीं आती है। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, फिर अगले बहुत सारे आपको दे रखे हैं, हेमिसेलुलोज है, काइटिन है, पेक्टिन है, तो एक एक लाइन को कंप्लीट करते हैं। हेमिसेलुलोज, इट इज आल्सो लाइक द सेलुलोज, हेमिसेलुलोज इट इज आल्सो लाइक द सेलुलोज, ये ही रहता है। ये भी क्या है आपका, स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड ही है, ठीक। और ज़ाइलांस, ज़ाइलांस का बना होता है, व्हाट इज द ज़ाइलांस, जिसमें ज़ाइलिनों की मात्रा ज्यादा होती है, जिनके अंदर ज़ाइलिनोज की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है, देयरफॉर द ज़ाइलांस, ठीक। तो ये होते हैं हमारे हेमिसेलुलोज। ऐसे ही काइटिन की बात करें तो काइटिन है, पेक्टिन है, ये सब क्या है, आपको बताया था काइटिन है, पेक्टिन है, दीज आर द हेटेरोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो काइटिन सेल वॉल ऑफ किसमें प्रेजेंट रहता है, ये फंजाई, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं इसको, कहते हैं भाई, ठीक है, क्या है ये, फंगल सेलुलोज, इसके यूनिट्स की बात करें, काइटिन के यूनिट्स, तो इसके यूनिट होते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, एन एसिटाइल एंड व्हाट वाज द एन एसिटाइल, यानी कि उसमें आपको क्या मिल रहा है, एसिटाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन से अटैच एसिटाइल ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और बॉन्ड क्या है, 1-2-4-, बॉन्ड्स क्या है, 1-2-4-, ठीक है। तो ये है आपका काइटिन। इसके बाद फिर आपकी बुक में ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स दे रखे हैं आपको, अपनी अपनी बुक्स में देखो, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स, ऑनलाइन जो बैठे बच्चों उन लोगों से भी कह रही हूँ, बच्चा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी तरफ से ही हो रही है, मेरी तरफ से नेट क्लियर है, इनको नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप ही की तरफ से है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन्स, तो इसके अंदर आप मार्क करिए, दीज आर म्यूकोपॉलीसेक्राइड, बुक्स में और जो बच्चे बुक नहीं है तो उनके लिए मैं लिख देती हूँ, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेन, सबने ले रखी है ना, वैसे वो जो घर बैठ के मुझे सुन रहे हैं उनसे बात कर रही हूँ, सबने ले रखी है बुक भाई, क्योंकि जो मेरे सामने बैठे हैं वो नालायक है, उनमें से किसी ने कुछ उन्हें नहीं ले रखी है, जो मुझे सुन रहे हैं घर बैठ के उनसे पूछ रहे, सबने ले रखी है ना, अच्छी बात है, ले रखी है, इज आर द म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, क्या है ये, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, कहां पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कहां पर, कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज जो होती है मोर मेनली पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, बोन्स के, लिगामेंट्स के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनमें पाए जाते हैं, इनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, यूनिट्स डी, वैसे आपको बुक में दे रखी है, अगर चाहो तो आप बुक से भी मार्क कर सकते हैं, वही सारी चीजें हैं, और जो लिख रहे हैं वो लिख लें, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक, अच्छा डी क्या है यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन बता रहा है, डेक्सोरोटेटरी, याद है ना, डी क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये शुगर पर्टिकुलर इमेज इसकी, अगर हम इसकी मिरर इमेज देखें तो वो किस तरफ आएगी, ठीक है, डेक्सोरोटेटरी आएगी, तो डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और दूसरी है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, सॉरी
और बॉन्ड लेंथ के 1-2, 3-and 1-2, 4-. बॉन्ड्स क्या है? 1-2, 3-and 1-2, 4- ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसके बाद है आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ये है आपके ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन्स, दीज आर द ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकेन्स। इसके बाद है आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज लिंक्ड विद द प्रोटीन्स, कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, आपको याद हो सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ पढ़ के आया है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है? लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, होती कि नहीं होती है? बाहर की तरफ क्या रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं, और अंदर की तरफ लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। होते भाई, तो आपको शायद वहां पर भी पढ़ा होगा कि वहां पर जो प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन लेयर से कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े होते हैं, उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। कहते नहीं कहते, वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की लेयर से जुड़े हुए होते हैं उनको भी हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन द बॉडी। जैसे आपके जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज हैं, जितनी आपकी एंटीबॉडीज हैं IgG, ठीक है IgE, तो जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज हैं, दे आर ऑल्सो द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन द योर बॉडी। इसके बाद है आपके ग्लाइकोलिपिड्स, इसके बाद है ग्लाइकोलिपिड्स, यही है बस ग्लाइकोप्रोटीन में। आपके ग्लाइकोप्रोटीन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स, तो सेम जैसे आपने बात करी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लिंक विद द प्रोटीन्स, वैसे ही ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिंक विद लिपिड्स। किससे जुड़े हुए हैं? लिंक्ड विद लिपिड्स, लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका आपको डिटेल लिपिड्स में मिलेगा। इसके बाद अभी हमारा ये क्या चल रहा है? कार्बोहाइड्रेट चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपको प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के बाद फिर आएगा आपका लिपिड्स। तो ये इसका जो डिटेल है वो आपको लिपिड्स में मिलेगा। इसके बाद फिर आपको फंक्शन दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट आपको फंक्शंस दे हुए, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये वही फंक्शंस हैं जो अभी तक हम पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड आपने पढ़े हैं, फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड आपने पढ़े, फंक्शन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड आपने पढ़े। तो इसके अंदर वही फंक्शंस हैं जो अभी तक हमने किए, तो ये सब आप उनसे कर लेना अपने आप, बहुत इजीली हो जाएंगे। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी, तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है फिर टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट, और ये बात मैं आपसे कल भी कर चुकी हूँ, कल किया था भाई, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए और बेनेडिक्टरी एजेंट बताया था मैंने आपको। रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए दो थे, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्टरी एजेंट। जो लोग कॉपी पर लिख रहे हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन का, फेलिंग सॉल्यूशन का वो लिख लीजिए, बफर। फेलिंग सॉल्यूशन का बफर क्या है? तो फेलिंग सॉल्यूशन का बफर है क्यूप्रिक सल्फेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फेलिंग सॉल्यूशन का जो बफर है वो क्या है? क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
ये इसलिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द बफर ऑफ द फेलिन सॉल्यूशन, फेलिन सॉल्यूशन का बफर क्या है। क्यूप्रिक सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का बफर होता है, ठीक है। तो सुगर सॉल्यूशन डाला जाता है इसमें, सुगर सॉल्यूशन प्लस 2 ml, फेलिन सॉल्यूशन सुगर सॉल्यूशन प्लस 2 ml फेलिन सॉल्यूशन, और इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। इसको गर्म करेंगे आप, और गर्म करने के बाद इसमें क्या मिलता है आपको, रेडिश और ब्राउनिश प्रेसिपिटेशन। जितने भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट किए जाते हैं ना, तो मैं आपको बात और यहाँ पर बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट के जितने भी हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद आपका एक नॉलेज टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट किया जाता है आपके शुगर सॉल्यूशंस के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। उसके अंदर क्या किया जाता है, शुगर टेस्ट का, ये भी नॉलेज टेस्ट, किसका प्रिपेयर किया जाता है इसको, इसको प्रिपेयर किया जाता है अल्फा नेफ्थोल, अल्फा नेफ्थोल को इसके अंदर इन इथेनॉल, इसके अंदर प्रिपेयर किया जाता है इसको, अल्फा नेफ्थोल को इथेनॉल के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि अल्फा नेफ्थोल की जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको इथेनॉल में घोला जाता है, उसके अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 ml सॉल्यूशन में, 2 ml सुगर सॉल्यूशन में 4-5 ड्रॉप्स पॉलिश इसी की अल्फा नेफ्थोल की, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक आप बातों में आपको मैं बता दूं, ये पूरा टेस्ट बता जाएगा केवल और केवल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत इनफ्लेमेबल होती है ये, ठीक है। पूरा ये पूरा टेस्ट बदल जाता है। कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि टेस्ट करवाया जा रहा है तो ऊपर से लिया और टक से डाल देते हैं, कभी भी H2SO4 ऐसे नहीं डाली जाती है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब की बॉल से ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, और इसको लिया माइक्रोपिपेट से जाता है, ठीक है। माइक्रोपिपेट में आप इसको लेते हैं, फिल करते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि इतनी ज्यादा वेरी कर जाता है, इतना धीरे किया हुआ एक्सपेरिमेंट है ये, कि आपने डाला मान लो H2SO4, इसने डाला एकदम हाई स्पीड से, और डाला बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसने और धीरे डाला, तो तीनों की जितनी भी वो आएंगी रीडिंग्स, तीनों की वेरी करते हैं। तो केवल और केवल एक H2SO4 ही पूरी की पूरी रीडिंग्स को आपके को वेरी करवा सकता है, ठीक है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट किया इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपके मान लो नहीं हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए उम्मीद तो एनिंग होंगे, तो अगर बाई चांस आपके ओरली लिए जाते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि करवाया तो कोई नहीं जाएगा, करवाया तो किसी ने नहीं जाएगा, केवल ओरली आपसे चीज पूछी जाती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आगे निकलेना by the sides of the ball, by the sides of the ball, drop by drop in the test tube. Concentrated H2SO4 को test tube में से, test tube की जो ball होती है उससे drop by drop इसको डाला जाता है, एक साथ नहीं डालते, एक साथ डालने से बहुत ज्यादा heat generate होती है और reading तुरंत वेरी हो जाती है। तो कह रहे थे कि sugar solution में जितना भी रहता है, इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी आपको क्या मिलता है, इसमें भी आपको precipitate मिलता है, ठीक है। और sugar solution या carbohydrate के जितने भी test आप करेंगे, सब में आपको same precipitate या brownish और reddish precipitate हमें देखने को मिलता है, डार्क रेड कह लो या उसको ब्राउन कह लो, तो इस टाइप का precipitate आपको उसमें देखने को मिलता है, एक रिंग लाइक में आपको देखने को मिलता है नीचे सोल्यूशन, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट है, जो मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, बेनेडिक्ट रिएजेंट में वही है सेम, यहाँ पे लिख लो फेलिन सॉल्यूशन के नीचे, बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसके अंदर सुगर सॉल्यूशन प्लस 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट
और इसको क्या किया जाता है, वही से पीला और गरम फॉर्म, और इसमें मिलता है हमें येलो और ब्रेड क्रिस्पी। तो ये दोनों होते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर्स के टेस्ट। कि मिलने वाला जो शुगर सॉल्यूशन है वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैंने आपको बताया क्या, अगर इन दोनों टेस्ट से वो पास नहीं हो रहा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और आपको अगर और ज्यादा क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग को पहले किस पे बदलें, रिड्यूसिंग शुगर पे बदलें, फिर आपने दोनों टेस्ट लगाएंगे, अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव आते दैट मींस आपको मिला जो था शुगर सॉल्यूशन वो क्या था आपका नॉन रिड्यूसिंग था। ठीक है, शुगर का कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, बाकी और टेस्ट नॉलेज टेस्ट आपको मैं बताती हूं। तो यहां पर हो गया आपका ये कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कंप्लीट। एक आयोडीन टेस्ट और है जिसमें हमें डीप ब्लू कलर मिलता है, ये मेरी चीज लोग तो बच्चों को अभी थोड़ी देर में हल्ला आएगा ऑनलाइन मैसेज करेंगे ना वो रह गया। एक लास्ट और है आपका आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट इसमें हमें क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर ऑप्टेन। तो क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर। और वही चीज है क्या, शुगर सॉल्यूशन प्लस ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। शुगर सॉल्यूशन प्लस ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। ठीक है बच्चों, तो ये है आयोडीन टेस्ट। तो यहाँ हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ बचा नहीं, करवा लेंगे आपको। तो नहीं,